जिस तरह से पूरे देश में खाने के ऊपर राजनीति चल रही है, 12 कोई कह रहा है कि 5 रुपए में खाना मिलेगा, कोई कह रहा है कि 12 रुपए में खाना मिलेगा। राज बब्बर जी ने भी ये कहा और अभी हाल ही कल प्रकाश जी जायसवाल ने भी कहा कि 12 से 15 रुपए के में खाना खा सकता हूँ। तो आपको क्या लगता है, ये गरीबों का मजाक उड़ाया जा रहा है कि किस तरह से? इसके संबंध में हम इतना बताएंगे कि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि भाई इतने कम पैसों में खाना मिलना बहुत बड़ा मुश्किल है, और कांग्रेस पार्टी के नेता लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। वो लोगों को ये बताने का कोशिश कर रहे हैं कि भाई देश में खाना इतने सस्ते में मिल रहा है तो महंगाई कोई बड़ी रह नहीं है। इसी तरह मतलब गरीबों का मजाक उड़ाने की बात नहीं है तो कांग्रेस वाले अपना मजाक उड़ा रहे हैं, और इतने कम पैसों में खाना किधर नहीं मिलता है, और जिनको मिलता होगा वो वहाँ जाकर खाएगा। मतलब राज बब्बर जी तो एक अच्छे हमारे मतलब मित्र भी है और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है, कांग्रेस पार्टी के नेता भी है, तो वो भी बोलते हैं कि भाई मुंबई में 12 रुपए में खाना मिलता है और इतना चावल मिलता है, बोलते इतना चावल कहाँ से लाएंगे। मतलब खाना एक आधी जगह पर मिलता होगा कि वहाँ पूरे लोग थोड़ा ही जाकर खा सकते हैं। अभी वड़ा पाव भी आप लेंगे तो 10 रुपए के कम में मिलता नहीं है, तो इसीलिए पूरा खाना 5 रुपए या 12 रुपए में मिलना बहुत बड़ा मुश्किल है। तो इसी तरह की गरीबों के साथ छेड़छाड़ करना कोई अच्छी बात नहीं है। तो इस मतलब इसी तरह की बयानबाजी जो चल रही है इसका मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से इसका पूरा विरोध करता हूँ, और गरीबों का मजाक उड़ाने का काम कांग्रेस वालों ने बंद करना चाहिए। सर, मुंबई महानगर पालिका, भिवंडी महानगर पालिका, डोंबिवली, कल्याण, सारी जगह पे देखे जा रहे हैं कि हजारों की संख्या में बड़े बड़े गड्ढे हैं, और इस गड्ढे को लेकर भी लोग राजनीति के लिए आजाद, दूसरी पार्टियां भी राजनीति कर रही है, मगर गड्ढे भरने का काम नहीं हो रहा है। नहीं, गड्ढे भरने का काम अभी 2014 में सब लोगों को गड्ढे में डाल देंगे। ऐसे है यहाँ, मतलब जो रोड के कंस्ट्रक्शन में, रोड बनाने में भारी करप्शन होता है, और उसके लिए मतलब इतना ऐसा रोड नहीं होना चाहिए। मैं पहले अमेरिका में था, 5-6 दिन था, फिर मैं लंदन में था, वहाँ पे बिल्कुल का गड्ढे नहीं है। तो इसीलिए मतलब अपने देश में रास्ते का मतलब गड्ढे होता है, तो इसमें एक नई टेक्नोलॉजी लाने की आवश्यकता है, और इसी तरह की जो मतलब जो कॉन्ट्रैक्टर इसी तरह का काम करता होगा उनको ब्लैकलिस्ट में डालना चाहिए, चाहे वो कोई हो। और अगर हमारी 2014 में अगर हमारी सरकार महाराष्ट्र में आती है तो सब गड्ढों को मैं बुझा देगी और एक गड्ढे में कांग्रेस वालों को डाल देगी। सर, ये इफ्तार पार्टी के बारे में थोड़ा सा, इस इफ्तार पार्टी जो आई थी, इफ्तार पार्टी एक मुस्लिम समाज का एक बहुत ही बड़ा त्यौहार होता है। मतलब रमजान का पूरा महीना भर लोग मतलब अपने पेट को भी तकलीफ, मतलब दिन भर का खाते नहीं है, और मतलब एक वक्त खाना खाते हैं, लेकिन ये रमजान का जो एक मजा होता है अलग होता है। मतलब इसीलिए इस रमजान जगह जगह पर होता है पूरे भारतवर्ष में। इफ्तार पार्टी में एक अच्छी बात ये है कि इफ्तार पार्टी में या ईद मिलन के प्रोग्राम में सभी जाति धर्म के लोग सम्मिलित होते हैं। मतलब भाईचारा जो है, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान में जिस तरह मतलब भाईचारा मजबूत करने की बात बताई है, हर धर्म को अपना अपना प्रोटेक्शन दे दिया है, और उसके मुताबिक इफ्तार पार्टी में सम्मिलित होना एक हमारे लिए बहुत बड़ा आनंद है। मुस्लिम भाइयों को या मुस्लिम आवाम को मतलब उनके मसाइल को हल करने के लिए अल्लाह ताला से अपील करने के लिए ये महीना बहुत बड़ा अच्छा होता है, और इसीलिए मैं मुस्लिम समाज के जो करोड़ों लोग जो भारत में रहते हैं उनको मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ, और मतलब उनका भविष्य अच्छा सुखी हो, यही मैं उम्मीद करता हूँ। सर, एक मराठा वरती एक मुद्दे होते सर, चलो ओके, वन क्वेश्चन सर, पुण्यामध्ये ज्या मराठा संघाने